हाय फ्रेंड्स, और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे, फाइनली SBI बैंक का जो BPCL क्रेडिट कार्ड है ये मुझे रिसीव हो चुका है। तो इस वीडियो में इस क्रेडिट कार्ड को अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे, साथ ही साथ इस कार्ड का जो फर्स्ट लुक है आपको देखने को मिल जाएगा, और इस कार्ड को कैसे एक्टिव करना है और इस कार्ड का जो पिन कैसे सेट करना है, सारे डिटेल्स अपने मोबाइल के मदद से करके दिखाएंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप एंड तक जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे नए नए अपडेट या बैंकिंग रिलेटेड वीडियो हम लाते रहते हैं। तो SBI बैंक का जो BPCL क्रेडिट कार्ड है मुझे किस तरीके से रिसीव हुआ है और मैंने किस तरीके से अप्लाई किया है, उसका ऑफर भी हमने वीडियो बना करके हमारा चैनल में अपलोड कर दिए है। वो वाला वीडियो देख करके आप सारे डिटेल्स या सारे जानकारी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पैकेट्स दिया गया है, पैकेट्स का जो लुक है आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है, ठीक है, इस तरीके से देखने को मिल जाता है। और इस पैकेट्स का बैक साइड के ऊपर बात करें तो इस पैकेट का जो बैक साइड है इस तरीके से देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज मेंशन किया गया है, एक बारकोड मेंशन किया गया है। इस बारकोड को स्कैन करके आप डायरेक्टली SBI कार्ड एप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम अनपैक कर लेते हैं, उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं। सिंपली हम पैकेट को कट कर लिए है, उसके बाद इसका अंदर क्या क्या चीज प्रोवाइड किया गया है इसको एक बार निकाल लेते हैं। निकालने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारे डिटेल्स मेंशन किया गया है। और राइट साइड में आप चेक करेंगे तो प्राइमरी कार्ड नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे इसका अंदर कोई भी एड ऑन क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो यहाँ पे एडिशनल क्रेडिट कार्ड नंबर की जगह में नो लिखा हुआ है। और ये जो क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है 26,000 इस क्रेडिट कार्ड का लिमिट है। और साथ ही साथ इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो कैश लिमिट है 7,800 रुपया इस क्रेडिट कार्ड का कैश लिमिट देखने को मिला हुआ है। और इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो बिल जनरेट होगा उस डेट भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, हर मंथ 23 तारीख को यहाँ पे बिल जनरेट किया जाएगा। तो इसका अंदर और एक पेपर दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो BPCL SBI कार्ड, तो इसका अंदर इस तरीके से मेंशन किया गया है। अब SBI बैंक का जो BPCL क्रेडिट कार्ड है, मतलब ये जो क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अब जो भारत पेट्रोलियम पंप है उस पंप में जाकर आप फ्यूल डलवाते है, तो वहाँ पे आपको 4.25% यहाँ पे सेविंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो पेपर दिया गया है, इस पेपर्स को निकलते हैं, निकलने के बाद इस तरीके से आपका सारे डिटेल्स में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो कार्ड वगैरह है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपली कार्ड को यहाँ से निकाल लेते हैं कि SBI बैंक की तरफ से जो BPCL क्रेडिट कार्ड मुझे प्रोवाइड किया गया है, तो उसके ऊपर इस तरीके से अलर्ट्स मेंशन किया गया है। ये जो क्रेडिट कार्ड है, जिस दिन आपको मिल जाता है उस दिन से अगले 30 दिनों के अंदर अंदर ये जो क्रेडिट कार्ड है आपको इसको एक्टिव कर लेना चाहिए, नहीं तो RBI का जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत आपका जो क्रेडिट कार्ड है ये परमानेंटली ब्लॉक या डिसेबल कर दिया जाता है। उसके बाद टू डा एक्टिवेट, ये जो क्रेडिट कार्ड है इसको कैसे एक्टिव किया जाता है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट मेंशन किया गया है, वो आपको आगे दिखाएंगे। तो सिंपली इस पेपर को ऐसे निकल लेते हैं। तो SBI बैंक का जो BPCL क्रेडिट कार्ड है, इसका लुक के ऊपर बात करें तो सबसे पहले भारत जो पेट्रोलियम है उसका यहाँ पे लोगो मेंशन किया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का भी लोगो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस कार्ड का जो राइट साइड है उसको ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, SBI कार्ड्स का जो लोगो है आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो क्रेडिट कार्ड है चिप सिक्योरिटी के साथ आपको देखने को मिलता है। और इस कार्ड के ऊपर जो 16-डिजिट नंबर है वो आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है, हमने यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए ब्लर कर दिए। उसके बाद कार्ड का जो एक्सपायरी डेट वो देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम पे कार्ड है उसका नाम यहाँ पे प्रिंट किया हुआ रहेगा। और ये जो क्रेडिट कार्ड है रुपे से पावर्ड है, रुपे प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड है। और ये जो क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर टोटल एक ऑयल का फोटो चिपका हुआ रहेगा। बैक साइड के ऊपर बात करें तो यहाँ पे आपको CVV नंबर देखने को मिल जाएगा, ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे जो SBI बैंक का कस्टमर केयर नंबर है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और SBI कार्ड्स ने यहाँ पे 25 ईयर कंप्लीट किया हुआ है, तो उसका यहाँ पे एक लोगो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड को कैसे एक्टिव किया जाता है तो देखने के लिए वीडियो आपको एंड तक आगे जरूर देखना चाहिए। तो इस क्रेडिट कार्ड को एक्टिव करने के लिए सबसे पहले SBI कार्ड एप्स में लॉगिन कर लेना है,
और SBI कार्ड ऐप्स में किस तरीके से लॉगिंग करते हैं वाला वीडियो आप नहीं देखे है तो इस वीडियो का आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा, वहां से जा करके आप सारे डिटेल्स को देख करके SBI कार्ड ऐप्स में लॉगिंग तो हम यहाँ पे सिंपली SBI कार्ड ऐप्स में लॉगिंग कर लेंगे। लॉगिंग करने के बाद मेरा जो पहला जो क्रेडिट कार्ड है SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड हो ऊपर की तरफ शो हो रहा है। आपके पास एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड है थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एक पॉपअप शो हो जाएगा, इसमें से चूज करके जो आपका न्यू कार्ड है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो नया क्रेडिट कार्ड है मतलब मेरा जो BPSL क्रेडिट कार्ड है ओपन हो चुका है। उस कार्ड को चेक करके उस कार्ड का जो नीचे की तरफ सर्विस वाले ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो इस पेज में यहाँ पे चेक करना है चेंज कार्ड पिन, उसके ऊपर क्लिक करना है। आपको ऊपर नीचे भी हो सकता है तो फिर से उसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा तो फिर से यहाँ पे चेंज पिन उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा तो नेक्स्ट पेज में आपका यहाँ पे अपना हिसाब से 4 डिजिट एक बार फिलअप करना है। दोबारा कंफर्म करके नीचे की तरफ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है उसमें 6 डिजिट OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को यहाँ पे डाल करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, तो यहाँ पे जो पिन है 100% सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। उसके बाद फिर से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद मैनेज कार्ड यूजर उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे चेक करके मैनेज कार्ड ट्रांजेक्शन उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा तो इस पेज में आपको बारीकी से चेक करना है कि आपका कौन सा ट्रांजेक्शन ऑन किया हुआ है और कौन सा ट्रांजेक्शन ऑफ किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बताएंगे हर डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन को आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं और जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है आपको ज़रूरत होगा इसको ऑन करेंगे नहीं तो ऑफ करके रखेंगे। उसके बाद सेट योर स्पैन लिमिट उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अपना जो स्पैन लिमिट है अपना हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, पोस्ट ट्रांजेक्शन, कार्डलेस ट्रांजेक्शन, ATM विड्रॉल, यहाँ पे अपना हिसाब से एक एक करके चेक करके कौन सा ट्रांजेक्शन का अमाउंट कितना रखना चाहते हैं तो सारे ट्रांजेक्शन अपने हिसाब से चेक करके यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे एक 6 डिजिट OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को डाल करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। आपका जो ट्रांजेक्शन डिटेल्स है यहाँ पे सारे डिटेल्स अपडेट हो जाएगा, मतलब आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो फुली एक्टिवेटेड हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो का रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम 100% आंसर देने का कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे नए नए अपडेट या बैंकिंग रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।